सभी को नमस्कार। आज का पाठ है भोली कक्षा 10 के लिए। इसमें एक सीधी सादी भोली सी लड़की की कहानी है और यह कहानी जिसके बारे में है उसका असली नाम सुलेखा था। उसे कुछ मानसिक क्षति हुई थी, यानी दिमागी उसे कुछ क्षति थी और यही कारण था कि वह हकला करके बोला करती थी। एक बार उसे चेचक का रोग भी हो गया था और यही कारण था कि उसके चेहरे पर कुछ निशान जो थे चेचक के रह गए थे और वह थोड़ा बदसूरत दिखाई देती थी। उसके सुस्त और बदसूरत चेहरे के कारण लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और भोली कहा, क्योंकि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, उनके 3 बेटे और 4 बेटियां, यानी भोली के पिताजी। भोली उनकी सभी बेटियों में से सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर के बाकी सभी बच्चे काफ़ी स्वस्थ थे। उन्हें उसकी शादी की चिंता भी होती थी। एक दिन तहसीलदार साहब जो थे गांव में खोले गए एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आते हैं और उनकी बेटी को स्कूल भेजने के लिए कहते हैं रामलाल को। हालांकि वह भोली की माँ जो थी उसे स्कूल में भेजना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी वह थोड़ी देर में मान जाती है और भोली ये सुन करके काफ़ी घबरा जाती है। उसकी स्कूल में काफ़ी अच्छी देखभाल होती है, स्कूल भेजने से पहले भी उसकी देखभाल की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए और उसे अच्छी चीज़ें भी दी गई, तो उसे लगने लग गया कि अब उसे कुछ अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा है। अपनी उम्र की लड़कियों को जब उसने देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई और उनमें से कुछ एक को अपना दोस्त बनाना वह चाहती थी। जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो वह हकला गई और इसके कारण से सभी गर्ल्स जो थी वो हंस पड़ी। इससे वह थोड़ी हतोत्साहित हो गई और रोने लगी, लेकिन जो टीचर थी एक दयालु महिला थी और उसने उसे बोलने के लिए कहा, यानी बोलने के लिए इनक्रेज किया, प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उसने कहा कि वह रोज़ स्कूल आएगी तो उसका हकलाहट जो है वह दूर हो जाएगी और भोली जो थी इसी आशा में उसके जीवन में एक नया पड़ाव आता है, संकेत आता है। काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं, गांव एक छोटा सा शहर में बदल जाता है और फिर स्कूल जो होता है वो हाई स्कूल में बदल जाता है और भी काफ़ी सुधार हो जाते हैं। तो भोली के लिए शादी का प्रस्ताव आता है। यह जो प्रस्ताव है एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से आता है जिसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। हालांकि रामलाल और उसकी पत्नी सहमत थे क्योंकि वह अच्छी तरह से सेटल था। भोली की बहनों को अपनी बहन की शादी में धूमधाम और भव्यता देखने को मिली हुई थी। हालांकि जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने वाला था तब एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा दिया, यानी भोली के चेहरे से। बिसंबर ने बिना दहेज के ऐसी बदसूरत लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। रामलाल ने पूरे पैसे का प्रबंध किया। हालांकि भोली ने ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। उसे हकलाने के बिना बोलने के लिए लोग चौंक गए क्योंकि अब वह बिल्कुल सही बोल रही थी। दूल्हा वापस लौट गया। भोली ने अपने पिता से कहा कि वह उनकी और माँ की बुढ़ापे में सेवा करेगी। इसके अलावा वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ से उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ये हमारे पाठ का सारांश है। इसके अलावा आपको एक्सप्लेनेशन में अपने एक अन्य वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें हम एक प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया लेकिन शिक्षक इंसान को बनाते हैं, यानी टीचर जो है वो इंसान को बनाते हैं। भोली की जो टीचर थी अपने जीवन के पाठ्यक्रम को बदलने में कैसे सफल हुई, तो इसका उत्तर जो है हिंदी में ही हम बात कर रहे हैं तो आज बात करेंगे हिंदी की। शिक्षक वांछित प्रोत्साहन देता है, बच्चों को प्रोत्साहन देता है, उसे प्यार से प्रेरित भी करता है, यानी उसे प्रेरणा भी देता है। वह उसे एक बोल्ड और आत्मविश्वास से भरी लड़की में बदल देती है। वह अपनी शादी का विरोध करती है, एक बूढ़े लालची कायर और नासमझ व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर देती है। इस प्रकार से उसका जीवन जो है वह बदल जाता है। आज के पाठ के लिए बस इतना ही। आप अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन्स आपको मिल जाएं।
और किसी कहानी का सारांश या पाठ का सारांश आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर इसके प्रश्नोत्तर भी आपको पढ़ने हैं हिंदी में तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।